हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेज मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट्स के कारण क्या क्या होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी, काम नहीं होना लोगों के पास। ठीक है, तो पहला हमारा है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हम 1947 को इंडिपेंडेंट हुए थे, तो आफ्टर द इंडिपेंडेंट ग्रोथ तो हुआ है हमारी कंट्री में, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हुआ है। जितना ग्रोथ हुआ है उस हिसाब से लोग इम्प्लॉयड नहीं हुए हैं, लोगों को इम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है। ग्रोथ ठीक हुआ लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हुआ है हमारी इकोनॉमी में। तो हमारा पहला रीजन है क्या? जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ के कारण भी लोग इम्प्लॉयड नहीं हुए, उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए कि हम लोगों को हर एक पर्सन को इम्प्लॉयड करे। इंक्रीज इन लेबर फोर्स, लेबर फोर्स ज्यादा क्वांटिटी इसमें इंक्रीज हो रही है, ज्यादा लेवल में इंक्रीज हो रही है, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं है तो लोग इम्प्लॉयड नहीं हो रहे। पॉपुलेशन इंक्रीज ज्यादा हो रही है, जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ग्रोथ है, जो हमारी कंट्री का ग्रोथ है वो उतना नहीं हो पा रहा, वो कम लेवल पे हो पा रहा है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज ज्यादा हो रही है और ग्रोथ कम हो रही है, तो लोग इम्प्लॉयड नहीं हो पा रहे। लेबर फोर्स ज्यादा है और जॉब कम है, तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एक्सेसिव यूज ऑफ मशीन, जो मशीनें हैं, जो मॉडर्न मशीनरी है वो ज्यादा यूज हो रही है और लेबर को हटाया जा रहा है, मशीनों से लेबर रिप्लेस हो रहे हैं। हमारी हमारी जो इंडिया है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना चाहिए। लेकिन कौन सी टेक्निक यूज होती है? कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब ये कि पैसा लगा के नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाके, मॉडर्न मशीनरी लाके इम्प्लॉयज को हटाना। ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल लगाते हैं और मशीनें लेके आते हैं और उससे लेबर को हटाना पड़ता है, क्योंकि मशीनें सारा काम कर लेती है, लेबर को मशीनें रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्रिएट होता है एक्सेसिव ज्यादा मात्रा में यूज करने से मशीनरी का। लैक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारी कंट्री में लोगों का स्किल डेवलपमेंट करने के प्रोग्राम की बहुत कमी है, बहुत कम लेवल में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। वेकेशनल टाइम पे हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करनी चाहिए लोगों के मन में, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने, लेकिन ऐसे प्रोग्राम हमारे यहाँ होते नहीं है। और लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती किसी भी चीज की, और वो अवेयरनेस ना होने के कारण वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो पाते हैं, और इससे भी अनएम्प्लॉयड की सिचुएशन क्रिएट होती है। एक्सपेक्टेशन टूवर्ड द इम्प्लॉयमेंट, हमारी जैसे यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है कि हमने MBA कर लिया, हमने MCOM कर लिया, तो हमें 15-20 हज़ार की जॉब मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन जॉब तो हमारे पास इतनी सैलरी की होती नहीं है। ठीक है, 5-6 हज़ार की होती है, तो स्टार्टिंग में उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है कि स्टार्टिंग से ही हमें हाई लेवल का सैलरी मिले, और उसके कारण वो घर पे बैठे रह जाते हैं, वो लो लेवल की सैलरी वाले जॉब करते नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने से भी अनएम्प्लॉयड की सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं उनको अपने लेवल की जॉब चाहिए, और उनको उनके लेवल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती है तो वो जॉब करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको चाहिए उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब। इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है। सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, सीजन के अकॉर्डिंग हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है पूरा डिपेंड होता है मॉनसून सीजन पे। ठीक है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो सीजन के अकॉर्डिंग होता है। तो जो गांव के फार्मर्स है, जब सीजन रहता है तब तो वो इम्प्लॉयड रहते हैं, लेकिन जब ऑफ सीजन चलता है तब वो क्या रहते हैं? तब वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, और उनके पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं होता है। जो विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव जॉब भी अवेलेबल नहीं होती है कि जब वो ऑफ सीजन है तो वो कोई काम कर ले, तो इसके कारण वो भी क्या रह जाते हैं? अनएम्प्लॉयड रहते हैं। वो 6 मंथ तो काम करते हैं पर 6 मंथ वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, क्योंकि वो सीजन पे डिपेंड होते हैं अपने काम के लिए। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी जो इकोनॉमिक है उसका डेवलपमेंट भी बहुत स्लो रेट से हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए प्रॉपर टेक्निक नहीं आ पा रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो लेवल से हो रहा है, उसके कारण भी गाँव का रूरल एरिया बहुत स्लो है, बहुत पीछे है, और वहाँ पे लोग क्या हो रहे हैं? अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल, जो रूरल एरिया की पर्सन है उनका माइग्रेशन मतलब कि गांव से शहर में आना, तो जो गांव के लोग हैं वो शहर में आते हैं, शहर में आना शुरू करते हैं,
तो स्टार्टिंग में उनको जॉब नहीं मिलती है, उनको जॉब ढूंढने को टाइम लगता है, फिर उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिलती है, फिर वो खुद कुछ भी खोल लेते हैं, ठेले वगैरह खोल लेते हैं, या फिर उनके पास कुछ दो तीन जॉब बची रहती है जो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो अनएजुकेटेड होते हैं, वो गाँव से रूरल एरिया से आए होते हैं, तो वो भी स्टार्टिंग में अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। उनको बाद में आने के बाद, तो ये माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयड लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो और यही था हमारा आज का अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।